माइक टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जगह वही है, बंदा भी वही है, इवन कपड़ा भी वही है, लेकिन व्लॉग नया है। आपको मैं पहले फ्रंट कैमरा से दिखा रहा हूँ पीछे कितना तेज बारिश हो रहा है। लेकिन आज बूंद बूंद बारिश मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाएगी, मेरे को घंटा नहीं फर्क पड़ता, बिकॉज जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वहाँ पे हल्का हल्का बारिश ही मेन चीज़ होगा। लेकिन अगर ज़्यादा तेज बारिश हो गया तब मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि वो व्यू हल्का बारिश में सुंदर लगेगा, ज़्यादा बारिश में भी लगेगा, लेकिन ज़्यादा बारिश में मेरे को घुसने नहीं दिया जाएगा। बट कोई ना, व्लॉग पर बने रहे, ये बारिश का वेदर है, सावन का आखिरी हफ्ता है तो ज़रूर होगा बारिश। तो अभी मैं जाता हूँ सावन शिव जी के मंदिर भूतनाथ, जो कि मैं पहले भी दिखा चुका हूँ व्लॉग में, लेकिन ये सावन में, इस साल के सावन में मैं लास्ट बार जा रहा हूँ। तो आप व्लॉग पर बने रहे, मैं अपना जर्नी भी दिखा रहा हूँ कैसे जाता हूँ, फिर एक अच्छा जगह वहाँ से लेके जाता हूँ। तो थंबनेल में होगा तो ज़रूर जाऊँगा, इवन हमको लग रहा चला जाऊँगा, वो स्टीम करके हम लोग जाएंगे वहाँ पर। तो आप व्लॉग पर बने रहे, पूरा कुछ दिखाऊँगा। तो वेलकम टू माई व्लॉग, और आपको हिंदी में भी कहूँगा कि स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। पहुंच चुके हैं, मेरे को पता नहीं ये मेरा ये ट्रिप क्यों पता नहीं गिल्ट ट्रिप बने जा रहा है। इतना तेज बारिश हो रहा है, पूरा रास्ता बारिश बारिश और इतना कीचड़ कीचड़, लेकिन मैं फिर भी आया हूँ। अभी मेरे को पता लगा जो रास्ते मेरे को जिधर जाना है उस जगह का नाम है बांदा घाट, लेकिन वो यहाँ से देखिए पीछे आपको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, मेरा छाता हटाना होगा, नहीं दिख रहा है मेरे को पता है। बट मेरे जो ऑटो वाले थे बहुत ही अच्छे थे, पूरा उल्टा डंगा से डायरेक्ट मेरे को यहाँ पे लेके आए, वो भी 20 रुपया में। मेरे बहुत ईजी हो गया मेरे को, और उन्होंने कहा कि रात 9 बजे तक रहेगा। तो पहले मैं जाता हूँ आपको बैक कैमरा से पूरा व्यू दिखाता हूँ। ये भूतनाथ मंदिर है, भूतनाथ मंदिर में आके मैं पहले आने के बाद भूतनाथ मंदिर जाऊँगा, पहले बैक कैमरा से आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ उसका, वो कैसे मैं स्टीम पकड़ रहा हूँ। और रात 9 बजे तक मैं वापस आ सकता हूँ, तो मैं पहले स्टीम पकड़ता हूँ फिर उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करता हूँ, आपको बैक कैमरा से दिखा रहा हूँ पूरा। ये रहा व्यू, मेरे को अभी स्टीम का उधर मिलेगा, ये कितना तेज़ बारिश हो रहा है। मैं बात कर रहा हूँ, मेरे ऊपर पानी पे पानी गिरे जा रहा है। ये जो जगह है जहाँ पे ये लक्स कोजी का वो बना है, वहाँ पे जाके टिकट काटना होगा, लेकिन मैं फिर भी कंफर्म कर लूँ कि यार देखा मैं वहाँ पे पहुँच तो गया, लेकिन वहाँ से आने का स्टीम नहीं है, तो पहले जाके मैं कन्फर्म करता हूँ। ₹8 का है मेरे हिसाब से। भैया रात कितने बजे तक रहता है वहाँ से आने? 9:30। तो ठीक है, आराम से हम लोग आ सकते हैं। पहले हम लोग यहाँ से टिकट दिखाते हैं और अंदर घुसते हैं। ओ भाई, लेकिन जब अंदर घुस जाएंगे ना बहुत आराम हो जाएगी। टिकट इधर, इधर टिकट चेक हो रहा है अपना। तो इसे मत करना, रास्ता में से मत करो। नहीं नहीं भैया, अंदर से वो बोट पे करूँगा, तो मेरे को मना किया जा रहा है वीडियो करने, लेकिन कोई ना, पहले अंदर घुस जाओ फिर उसके बाद आपको व्यू दिखाऊंगा। ये देखिए गाइस, ओ भाई भाई, बेचारे अंकल गिर गए थे एकदम, बहुत स्लिपरी है, लेकिन मेरा नसीब अच्छा था कि मैं गिरा नहीं। अब तो मैं व्यू दिखा रहा हूँ, यहाँ पे इतना भीड़ भाड़ लगा हुआ है, मेरे को तो अपना फ़ोन वोन भी पूरा संभाल के रखना होगा। तो गेट लगाने का भी ऑप्शन है, मैं खुद पहली बार चल रहा हूँ। इसके वेदर में स्टीम में सबसे बेस्ट व्यू आएगा, खूब सो अच्छा व्यू आए। तो देखो ये है भूतनाथ मंदिर, और पानी देखिए गाइस, कलर थोड़ा डिफरेंट है, कलर थोड़ा ब्राउनिश है पानी का, ऐसे भी ब्राउनिश है, ये गंगा है एक्चुअल में, हम अभी गंगा के ऊपर है। और यहाँ पे एकदम ऐसा लगता है ट्रेन से जाते हैं ना, वैसा फील आ रहा है। अभी आपको मैं थोड़ा सा स्निपेट्स देता हूँ, कितना सुंदर लग रहा है। अब
कैमरा एकदम जस्टिस नहीं कर रहा, मैंने अभी देखा ये चीज़। वहाँ पे हावड़ा ब्रिज है, आपको भी ठीक से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं जूम कर रहा हूँ और एकदम टिप पे खड़ा हूँ। अगर कुछ भी जोर से अगर कोई ब्रेक लगा तो मैं गिर जाऊँगा। अरे सॉरी, ये तो बस नहीं, और कितना घंटा वाला धुआं आ रहा है। मैं पीछे हो जाता हूँ, मेरा बस नीचे उतरने का समय आ गया, सब उतर भी रहे। चलो अपन भी उतरे यहाँ से और एकदम धीरे धीरे करके उतरेगा, क्योंकि आते वक्त एक अंकल का वो हो जाता है। मैं पहले वहाँ पर उतर के फिर वहाँ से वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। हम लोग ऑफिशियली हावड़ा में हैं। वो जो स्टीम था, जो भी बोट था, 5 मिनट में मेरे को इधर पहुंचा दिया। लेकिन आज ना वीडियो करने में गाइस बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है। मैं अभी भी जो कैमरा पकड़ा हूँ, मेरे फ़ोन में पानी जा रहा है। ऊपर से मैं ये छाता लेके चल रहा हूँ, ऊपर से ये माइक, बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है। बट कोई ना, अभी मैं मंदिर का जगह ढूंढ रहा हूँ। मैं खुद पहली बार आया हूँ, मैंने किसी के व्लॉग में देखा है, मेरी तरह ही व्लॉग करता है, कि वो इतना बड़ा शिव जी का मंदिर है। मैं वही दिखाना चाहता हूँ आपको। अभी मैंने ज़्यादा से ज़्यादा ये वाला जो वीडियो है ना, बैक कैमरा से ज़्यादा शूट होगा, बिकॉज इसका नीड भी है। एक तरह से बैक कैमरा में अगर शूट होगा तो इसका नीड भी है, और ऊपर से मेरे को बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है शूट करने में। पता नहीं ये कैमरा ब्लर हो गया, इतना पानी गिर गया। तो अभी मैं आपको पूरा ब्लैक कैमरा से दिखाता हूँ व्यू। मंदिर ढूंढे जा रहा हूँ, सब आगे आगे किए जा रहे हैं। चलो देखते हैं आगे जाके। मैं वहाँ से सीधा निकला जहाँ से, फिर उसके बाद लेफ्ट घूम गया, और लेफ्ट से अभी सीधा से सीधा चले जा रहा हूँ। बट पता नहीं क्यों लग रहा है आ चुका है, क्योंकि वहाँ पे जो बैनर लगा है, और यहाँ पे इतना अच्छा फालूदा मिल रहा है, लेकिन अभी नहीं खा पाऊँगा, तो पहले उधर जाता हूँ। वो देखिए गाइस शिवलिंग, आपको जूम करके दिखाता हूँ। ओ भाई, यहाँ पे बारिश नहीं हो रहा है यहाँ पे। रुकिए गाइस, आपको एकदम अच्छे से जूम कर सामने जाके दिखाता हूँ। दर्शन तो हो गई है, जिस चीज़ का मैं आपको बात कर रहा था उसने आपने उसको देख लिया है। ये देखिए गाइस, मैं स्पेशली इसी के लिए आया हूँ। यहाँ पे भी बहुत सारा मंदिर है, लेकिन एक बार यहाँ पे जूता उतारो ना, बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है। बट ये देखिए गाइस, बहुत ही सुंदर लग रहा है। पीछे गंगा का व्यू है, और ये देखिए सामने से कितना सुंदर लग रहा है। ये तीन मुखी है, मतलब तीन चेहरा आपको अगर दिख रहा है कि नहीं, तीन या चार, आई डोंट नो वेदर, लाइक चार है शायद। हाँ जी सर, हाँ जी चार है ये। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है देख के। और ये पूरा गार्डन है, लेकिन आज पूरा वीडियो में ना बैंड बजा हुआ है लिटरली, क्योंकि इतना तेज़ बारिश हो रहा है ना, पूरा शूट ही नहीं हो पा रहा है ठीक से। आज पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे को ना वीडियो शूट करने में प्रॉब्लम हो रहा है, पूरा पसीना हो चुका बारिश होने के बावजूद। और ये देखिए फिर से आपको मैं दिखा रहा हूँ, आपको भी वहाँ पे आरती, लेकिन अपने को बहुत ही लेट हो रहा है, क्योंकि अपने को भूतनाथ मंदिर भी जाना है, और अपना घर भी बहुत ही दूर है। एक बार लास्ट बार आप इसको देख लीजिए, और मैं सीधा यहाँ से निकलता हूँ, फिर वो घाट लॉन्च पकड़ के सीधा जाता हूँ घर। एक बार आपको अच्छे से व्यू दिखा दे रहा हूँ, एक सेकेंड रुकिएगा। ये देखिए गाइस, बहुत ही सुंदर है। आपको मैं इसका लोकेशन आप मेरे डिस्क्रिप्शन में, आपको अगर आने का मन हो रहा तो आपको आइएगा। देखिए पीछे आरती भी हो रहा है, चलिए थोड़ा आरती भी आपको मैं दिखा देता हूँ। हो चुकी है जैसा कि आपने देखा, वहाँ से हावड़ा ब्रिज दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है मेरे को भी, तो क्लियर नहीं दिख रहा है कैमरा में, जैसा दिख रहा है वैसे ही मेरे को दिख रहा है। वो देखिए वो वाला जो घाट है, ये वाला,
ये वाला घाट में मेरे को जाना है अभी, उधर भूतनाथ है, बस 5 मिनट का रास्ता है। मैं अभी आया ना, 5 मिनट में जस्ट आ गया, और अभी ये भी 5 मिनट में यहाँ पे। देखिए एकदम वो, मैं पहली बार चढ़ा हूँ स्टीम में ऐसे, जिसको स्टीम बोलते हैं, एक्चुअल में ये बोट है, मोटर बोट। तो यहाँ पे मैं पहली बार चढ़ा, पूरा एकदम बना वना सब कुछ बेच रहा है। बट कोई ना, अभी मैं सीधा वहाँ पे जाता हूँ, वहाँ से वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। गाइस वहाँ से तो आ गया जैसा कि आपने देखा, और अब मेरे पीछे देख सकते हैं भूतनाथ मंदिर। अभी बहुत तेज भूख लगी है पहले, लेकिन सबसे पहले दर्शन इंपॉर्टेंट है। आपको मैं पूरा बैक कैमरा से दिखा रहा हूँ आपको इधर दर्शन। आज थोड़ा खाली खाली, अगर सोमवार होता है यहाँ पे, देखिए पीछे जो है ना इसमें बहुत ही लाइन लग जाता है, लेकिन आज पूरा खाली है। और पहले अंदर घुसता हूँ, पूरा अंदर दर्शन करता हूँ, फिर उसके बाद पेट पूजा करूँगा। मेरी दोस्त ने आगे बार कहा था कि तुम गलत जगह का लिट्टी चोखा खा लिया था, मैंने तो नहीं खाया था, मेरा दोस्त खाया था, लेकिन आज सही जगह का मैं खाऊँगा जहाँ पर बहुत भीड़ लगता है। ब्लॉग पर बने रहे, आपको पूरा दिखाता हूँ। ये अंदर घुस चुके हैं हम लोग लाइन पे, यहाँ तक मैं दिखा दे रहा हूँ। जब मेरे को कोई कुछ बोलेगा, मेरे को यहाँ पे एक जन फोटो लेते हुए देखे तो मैं भी लेने लगा। मैं बिना माइक के बोल रहा, थोड़ा आवाज़ थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, नहीं तो क्या, तो अगर कुछ लगेगा तो मैं वॉइस ओवर दे दूँगा, कोई इशू नहीं है। और ये देखिए, ये अंदर मंदिर है, ये वाला जो लाइट चल नहीं रहा, यहाँ पर मंदिर है। यहाँ पर अगर अलाउड नहीं होगा तो मैं बंद कर दूँगा। एक जन फोटो लेते हुए दिखे तो यहाँ तक मैं दिखा सकता हूँ। ये रहा मैं इधर, लाइन पूरा खाली है, मंदिर पूरा अच्छा दर्शन होगा आज। ये रहा मेरा प्रसाद, और नीचे मिठाई है, मैं दिखा नहीं पा रहा, ये खास से व्लॉगिंग कर रहा हूँ ना। बम बोले, बम बम बोले, तो ये रहा। यहाँ पे भी बहुत लोग हाथ जोड़ रहे हैं, हवन कुंड है, तो मैं भी लूँगा जहाँ तक अलाउड है। और ये है, मैं हमको पता नहीं क्यों राम जी लग रहा है, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो प्लीज़ माफ़ कीजिए। गणेश है उधर, एक तो जो मूर्ति लगा हुआ है राम जी का, हमको लग रहा है, और गणेश जी का वो मूर्ति है। और यहाँ से ये रहा गाइस, दर्शन तो पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी लगी है बहुत तेज भूख। पीछे सैंडविच मिल रहा है, ये मिल रहा है, मेरा मन तो कर रहा है सैंडविच खा लूँ, लेकिन नहीं। यहाँ पे अगर भूतनाथ आए और लोग, एक तो डायलॉग है, एक तो कहावत है, डायलॉग भी नहीं कहावत है, मैं कुछ ज़्यादा ही डायलॉग कर रहा हूँ। एक कहावत है, अगर भूतनाथ आए हो तो लिट्टी चोखा नहीं खाए तो क्या ही फ़ायदा भूतनाथ आने का। तो पूरा जाता हूँ वो दुकान में, पीछे आपको दिखाता हूँ गंगा घाट। पहले गंगा घाट दिखाओ कि जाओ उधर खाने। चलिए पहले आपको गंगा घाट, गंगा घाट तो आपने देखिए, अब क्या ही देखोगे आप, मैंने जो गंगा घाट के ऊपर ही तो था। तो चलिए सीधा जाता हूँ खाने, आपको बैक कैमरा से दिखाता हूँ उनको ऑर्डर करते हुए, और मस्त सा खाता हूँ। बहुत ही तेज़ भूख लगी है, आप लोग भी घर बैठे बैठे मज़े लो। ये रहा वो दुकान जिधर मेरी फ्रेंड ने मेरे को खाने को कहा था। भैया गूगल पे एक्सेप्ट होगा ना? एक प्लेट बना दीजिए, कितना करके? तो एक प्लेट मैंने बोला है बनाने को, यहाँ पे उधर चोखा है, लिट्टी है, आपको मैं बनाते हुए भी दिखाऊँगा। फाइनली गाइस आ तो गया है। प्रॉब्लम होता है जब अकेले आते हो ना टेस्ट करने के लिए, जब कैमरा पकड़ना होता है बहुत प्रॉब्लम होता है। बट कोई ना, आपने तो देख चुका है, अभी मैं इसको तोड़ रहा हूँ और यहाँ से ले रहा हूँ, क्या नाम है, चोखा ले रहा हूँ और चटनी ले रहा हूँ। बहुत ही अच्छा है, मैंने आगे बार भी एक तुम चापूजी वाले ब्लॉग में खाया था तो मेरे को अच्छा लगा था, ऐसा नहीं ख़राब लगा था। बट यहाँ पे क्या है ना, सरसों का वो जो एसेंस आ रहा है बहुत ही टेस्टी बना रहा है, हो सकता है चटनी की वजह से हो। ये लिट्टी दिखाता हूँ, छोटा छोटा लिट्टी है लेकिन है बहुत ही स्वादिष्ट। एक और बाइट लेके आपको दिखाता हूँ। देखिए एक बाइट, पहले बाइट में तो बहुत टेस्ट समझ में आ रहा है, दूसरे बाइट में आएगा कि नहीं। हेवन है गाइस, हेवन लिटरली। अगर आप आओगे तो इसी दुकान का खाना, पता नहीं वो दुकान में कैसा टेस्ट था, मेरे दोस्त ने तो बोला ठीक ठाक था, लेकिन यहाँ का बहुत ही टेस्टी है।
अगर आप आओगे तो ज़रूर इधर का ही खाना, क्योंकि देसी घी में पूरा बनाया गया है। अभी मैं इसको ख़त्म करता हूँ, फिर वीडियो कंटिन्यू करता हूँ।